कार्यकर्ता और समस्त हमारे संगठन के पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर, जिला स्तर, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी बूथ अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता उपस्थित है, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करते हुए। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जुड़ेगा भारत राहुल गांधी खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी नारों की गूंज प्रदेश के कोने कोने तक जानी चाहिए। आपके महबूब नेता की जो आपका प्यार है वो इस देश के कोने कोने में जाना चाहिए। आप पूरी ताकत के साथ में अपने नेता का स्वागत करें क्योंकि वो हमें जो सानिध्य देने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं, भवन के शिलान्यास के लिए आए हैं, तो पुनः एक बार जोर से नारे लगाएंगे, खड़गे साहब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। जैसी हमारी आतिथ्य की परंपरा है, राजस्थानी हमारा आतिथ्य सत्कार का जो कार्यक्रम है, मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी, वो परम सरे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का माला पहना के, शॉल ओढ़ा के, साफा बांध के स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप जोरदार तालियों के साथ में इस लम्हे के साक्षी बने। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए तमाम जो साथी हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। मैं स्वागत की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब, परम आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करके, माला पहना के, सावल ओढ़ा के, साफा पहना के स्वागत और अभिनंदन करें मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रंधावा साहब को, वो संगठन महासचिव श्री के सी वेणुगोपाल जी को माला पहना के, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्मृति चिन्ह दे के, जो इस राजस्थान की कला है उस कला का जो स्मृति चिन्ह है वो आदरणीय खड़गे साहब को दे के उन्हें इस पल को यादगार बनाएं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा वो श्री राहुल गांधी जी को प्रतीक चिन्ह और मोमेंटो देके स्वागत और अभिनंदन, आदरणीय के सी वेणुगोपाल साहब को। मैं प्रदेश के कोने कोने से पधारे तमाम साथियों के तरफ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने शब्दों के माध्यम से आप सबको स्वागत भाषण दे, संबोधित करें आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब। आज के इस ऐतिहासिक दिवस के ऊपर हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी,
हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, सचिन पायलट जी, सीपी जोशी जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी और तमाम मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम नेतागण, और आप सब कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नींव के पत्थर जिनके बलबूते के ऊपर 5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने थी और 2023 में खड़गे साहब दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में एक संदेश दिया, उस संदेश को मानते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि निडर बनो, मेहनत करो, जनता के बीच में जाओ और मोदी सरकार को उखाड़ फेंको और जिनकी समस्याओं से निजात पाओ। देश के अंदर आज इस प्रकार का वातावरण है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के अंदर ये खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, ये वो कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष से लेकर के हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे तमाम ग्राम पंचायत अध्यक्ष, हमारे चुने हुए पंचायती राज के और नगर निकाय के जनप्रतिनिधिगण, हमारे ब्लॉक की कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, जिला के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के वो तमाम कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता आज आपका ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए आए हैं। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के दिन हमारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 4 मंजिला नए भवन की नींव रखी गई। आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी दोनों ने साथ आकर के राजस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच में इस नए भवन की नींव रखी है। ये नए भवन की नींव ही नहीं है, ये राजस्थान में दोबारा 2023 में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की विजय का ऐलान करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां आए हैं। राहुल जी, आपने हमें एक ही बात सिखाई है कि निडर रहो, डरो मत और बब्बर शेर बन करके इस मोदी सरकार का विरोध करो, इसकी गलत नीतियों का विरोध करो। ये वो बब्बर शेर हैं जिन्होंने कमर कस ली है कि 2023 भी हमारा होगा और 2024 भी हमारा होगा। इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो कितनी भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, हमारे पास में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसा नेता जिनके अध्यक्ष बनने के बाद में हमने चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के चेहरे को धूल चटाने का काम किया है, इनको परास्त करने का काम किया है। आज ये सारे के सारे लोग आज संकल्प लेने के लिए आए हैं, ये भवन भी बनेगा और भवन के साथ साथ ज्यों ज्यों ये भवन ऊंचा जाता जाएगा, ज्यों ज्यों यहां पर कांग्रेस की जड़ें और ज्यादा मजबूत होंगी और हम सब मिलकर के आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये पूरा मंच और ये पूरा पंडाल और यहां जो आज नहीं आ पाए वो तमाम कांग्रेस के लोग आपकी लीडरशिप में, खड़गे साहब और राहुल गांधी की लीडरशिप में हम यहां से बच्चे बच्चे के पास जाएंगे, बूढ़े के पास जाएंगे, हमारी सरकारी योजनाएं शानदार, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 10 तरीके की गारंटी दी है, कोई एंटी कमेंसी नहीं है। ये कार्यकर्ता इस बात का प्रमाण है कि ये कार्यकर्ता सब कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए और 2023 में पुनः भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्प लेकर के आज आपके सामने जाएंगे। यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। आपने सही कहा कि ये जो मेरे राजस्थान के जो निडर बब्बर शेर हैं, ये राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में 2024 में भी कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। ये सब के सब निडर हैं राहुल जी, हमें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का कोई डर नहीं है। आदरणीय खड़गे साहब का आशीर्वाद और आपका एक संदेश लेकर के गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे, कांग्रेस के झंडे को बुलंद करेंगे और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बना के आएंगे।
ये साधारण कार्यकर्ता नहीं है माननीय खड़गे साहब, ये वो लोग हैं जो बूथ के अध्यक्ष हैं, जो मंडल के 2200 मंडलों के अध्यक्ष हैं, जो 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है। और आज के दिन यहाँ जिला अध्यक्ष संगठन को आपके नेतृत्व में इतना महत्व दिया गया है कि जिला अध्यक्ष स्टेज के ऊपर बैठे हैं। संगठन और सत्ता में समन्वय के साथ में 2023 में हम निडरता के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप पधारे, आपका पुनः इन सब की ओर से, और जो नहीं भी आए हैं उन सब की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, वो आए और हम सबको संबोधित करें। सचिन पायलट जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हम सबके नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोविंद डोटासरा जी, रंधावा साहब, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, मंचासीन सभी नेतागण, आज इस विशाल जनसभा में पधारे हुए सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, नौजवान दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, कि आज उन्होंने एक नए इतिहास को जन्म दिया है। हमारी कांग्रेस पार्टी का एक नया दफ्तर बनने जा रहा है जो पूरे प्रदेश में एक संचार होगा ताकत का, शक्ति का। लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि आज हमारे कार्यकर्ता एक एक ब्लॉक से, एक एक जिले से यहाँ पर आए हैं, और खड़गे साहब, राहुल जी, जो उत्साह आज आपको दिख रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि 2 महीने बाद जब वोट पड़ेगा तो 30 साल का इतिहास पलटकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। हम सब लोग चाहते हैं 5 साल की सरकार के बाद हम दोबारा यहां पर जनता की सेवा बनने लायक बने। खड़गे साहब का, राहुल जी का जो नेतृत्व है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो उम्मीद है उसको हम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, इनकी सभाएं हम देख रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग मन बना चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी और 2024 में इंडिया अलायंस जीतेगा और एनडीए को हम हरा पाएंगे। आप सब लोग आज यहां पर आए हो, संकल्प लेकर जाना चाहिए। आज राहुल जी हमारे बीच में हैं, खड़गे साहब मौजूद हैं। संकल्प इस बात का है कि हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, ये चुनाव हम जीतेंगे। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि राजस्थान के मतदाता क्या परिणाम देते हैं। और आज हमारा जो कांग्रेस का परिवार यहाँ मौजूद है, अगर आप सब लोग ठान लोगे कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है, मुझे पूरा विश्वास है पहले से ज्यादा बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, हमारी जब बिल्डिंग बनेगी उससे पहले पहले हमारी सरकार बन जाएगी, दिल्ली में भी और जयपुर में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य महेंद्र जी मालवीय साहब, वो आए और 2 मिनट में हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। महेंद्र जी मालवीय साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे युवा नेता और देश के भावी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम नेतागण और जिले और राजस्थान से पधारे हुए तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, सबसे पहले मैं आदरणीय खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और रंधावा साहब का धन्यवाद करता हूं कि दक्षिणी राजस्थान से, एक आदिवासी परिवार से, मुझे CWC में मेंबर बनाया है। मैं आदरणीय खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को, मुख्यमंत्री जी को, सब नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हमारी कुल मिला के 24 सीटें हैं, इन 24 सीटों का अंदर आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, आप सबका झंडा बुलंद करेंगे
और आने वाले समय में राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार होगी और 2024 के अंदर आपके नेतृत्व में देश की सरकार बनेगी, यही मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। आप सबके प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और CWC सदस्य जितेंद्र सिंह जी आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सम्मानीय राहुल गांधी जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सम्मानीय वेणुगोपाल जी, रंधावा साहब, डोटासा साहब, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और साथी कार्यकर्तागण, राहुल जी आज आपके सामने कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बैठी हुई है। ये हमारे जितने साथी कार्यकर्ता हैं, इनने मेहनत करके पिछले 5 साल में सरकार की योजनाओं जमीन तक लेके गए हैं। महंगाई राहत कैंप के अंदर, हर कैंप के अंदर हर कार्यकर्ता खड़ा रहा है। मैं तो आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने अनेक काम करे हैं, 7 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी है। हमें सिर्फ अगले चुनाव के अंदर सिर्फ घर घर जाना है, सभी जो लाभान्वित है उनसे मिलना है, उनको बताना है कि कांग्रेस की सरकार ने उनके लिए उनकी जिंदगी के अंदर एक बदलाव लेके आए हैं। हमें सिर्फ इतना ही काम कर लेंगे, मैं आपको इस मन से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार रिपीट होगी। आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं, हाथ खड़ा करके आप राहुल गांधी जी को आश्वासन दीजिए कि सरकार, हम मेहनत करेंगे, रात और दिन मेहनत करेंगे और सरकार रिपीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। काम किया दिल से, काम किया दिल से, काम किया दिल से। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके लाडले मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, वो आए और संबोधित करें। अशोक जी गहलोत साहब, परम सोरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे सबके महबूब नेता राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दत्तात्रेय जी, हमारे स्पीकर साहब श्री बी जोशी जी, पूर्व अध्यक्ष भी हैं ये, डॉक्टर चंद्रमान जी, सचिन पायलट जी, बाबू जितेंद्र सिंह जी, महेंद्र मालविया जी और तमाम उपस्थित मंच पर बैठे हुए हमारे नेतागण, जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण, ये समग्र देश में पहला प्रयोग है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज जो प्रयोग किया गया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा, पूरा कांग्रेस परिवार, खड़गे साहब को, राहुल साहब को मैं कहना चाहूंगा, ये परिवार कांग्रेस परिवार बैठा हुआ आपके सामने, ये परिवार है। हर गांव से, हर ढाणी से, हर परिवार से कांग्रेस कार्यकर्ता आज मौजूद है जयपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका खुद का जो है एक इतिहास बन रहा है। आजादी के बाद में पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी खुद का भवन बनना तमाम कांग्रेस के लिए, जनों के लिए एक गौरव की बात है। इस मुबारक मौके पर मैं आभार व्यक्त करूंगा खड़गे साहब का, राहुल जी का, आपने आने में स्वीकृति दी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं।
आपके कर कमलों से ही ये इसका शिलान होना लाजमी था, स्वाभाविक था, और आपने वादा निभाया। आज पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस खुश है, हमारी पार्टी के मुखिया सब मौजूद है इस मुबारक मौके पर। अब शानदार कांग्रेस भवन बनेगा, एक नई शुरुआत होगी राजस्थान के अंदर, कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा। और जो चुनौती हो रही है देश के सामने, उसका आभास हम सबको है। चुनौती चाहे लोकतंत्र खतरे की हो, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने इतिहास बना दिया, महंगाई के साथ में बेरोजगारी के साथ में सबसे बड़ी बात थी वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा कि क्या मायने आप समझ सकते हो। राजस्थान में दावे के साथ कह सकता हूँ राहुल जी और खड़गे साहब सिरमौर बनेगा। हमने यहाँ पर शांति व अहिंसा का सरकार में विभाग बना दिया जो देश में कहीं नहीं है। हमने 20,000 लोगों को ट्रेनिंग करवा दी गांव गांव के अंदर। म्यूजियम बन रहा है जिसका आप अभी उद्घाटन करेंगे और 2 अक्टूबर को रैली निकलेगी। 2 अक्टूबर को जयपुर की सड़कों पर मौन जुलूस निकलेगा। राहुल जी, जो आपका भारत जोड़ो यात्रा में जो संदेश था प्यार का, मोहब्बत का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें, उस थीम को आगे बढ़ा रहे हैं, थीम को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारा बजट जो है, चाहे महंगाई रात का हो, चाहे कानून बनाए हो, हमने एक से एक बढ़कर के किसानों के लिए बनाया। कोई जमीन कुड़की नहीं होगी बगैर सुनवाई के उनकी। गिग वर्कर का बना दिया, आपकी सलाह थी। गिग वर्कर का कानून बना है, देश में दुनिया में कहीं नहीं बना है। आर्टिकल आ रहे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, दुनिया के मुल्कों को राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है, वैसा कानून बनना चाहिए दुनिया के मुल्कों को और देश के राज्यों को। ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजस्थान पहली बार देश के अंदर चर्चा में आ गया है। अपनी उपलब्धियों से हमने नई नई प्रयोग किए हैं, नए नए लोगों ने वादे के निभाए हैं, और मुझे गर्व कहते हुए कि जो आज राजस्थान जिस रूप में सामने आया है, आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 पे आ गए हैं, मुझे गर्व की बात। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान आज है 11.4%। तो कहने का मतलब यह है आज हमारे लिए कांग्रेस भवन बनना नया संदेश देगा। गुड गवर्नेंस हुई राजस्थान के अंदर, पहली बार किसी सरकार के खिलाफ में कोई सरकार विरोधी लहर नहीं हो, इससे बड़ी उपलब्धि यहाँ इन कार्यकर्ताओं क्या होगी आप समझ सकते हो सब लोग। मुझे गर्व है सरकार ने जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। गांव के अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, परिवार में, हर परिवार को हमने छूने का प्रयास किया है और माहौल ऐसा बन गया है राजस्थान के अंदर। और मैं आह्वान करता हूं आप सबका, आप संदेश लेके जाएंगे यहां से, खड़गे साहब का, राहुल जी का आने का संदेश यही है। इनका संदेश लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे, चाहे कितने ही फांसी ताकते हैं, प्रधानमंत्री 6 दौरे कर चुके हैं, बाकी मंत्री लोग आ ही रहे रोज के, पूरा कुनबा उनका यहाँ पड़ा हुआ, यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं आपको मालूम है। दमखम आप सब में है, दमखम आप सब में है, दमखम बताने की आवश्यकता है। संदेश खड़गे साहब का, राहुल जी का आप लेके जाएंगे यहाँ से, संकल्प लेके जाएंगे किसी भी कीमत पर इस बार सरकार रिपीट हो, ये हमारा संकल्प होना चाहिए राजस्थान के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आज हम खड़गे साहब को सुनेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी बात आप रोज सुनते हो, लाइव के अंदर सुनते हो, टीवी में देखते हो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको, हमने वादे निभाए हैं। जो कहा है राहुल जी बार बार कहते हैं, हम कहते हैं वो करते हैं, और वो हमने करके दिखा दिया है जन घोषणा पत्र के माध्यम से। मुझे गर्व कहते हुए पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार माहौल बन गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये फासी ताकते हैं खतरनाक ताकते हैं, देश के लिए खतरनाक ताकते हैं, हमें समझना पड़ेगा और जनमानस को समझाना पड़ेगा। आप संदेश भाग बैठे हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने कहा इतिहास में पहली बार सिर्फ कांग्रेस परिवार को बुलाया गया है और हमारे मुखिया
दोनों मुखिया बैठे हुए हैं। इतने मैं कहना चाहूंगा, इनका संदेश लेकर आप जाएं, घर घर जाएं, तमाम मतभेद बुला दें आपस के अंदर, क्योंकि देश का सवाल है ये चुनाव। राजस्थान जीतने का मायने है जो चुनौती देश के सामने रखी गई है इन ताकतों द्वारा, उनका मुकाबला करना हम लोगों को है। राजस्थान की जीत एक संदेश देगी देश के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि खड़गे साहब और राहुल जी ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसके बाद में एनडीए गवर्नमेंट की चूल्हे हिल गई है, प्रधानमंत्री खुद घबरा गए हैं, जिस प्रकार के उनके विचार आ रहे हैं बुखलाए हुए हैं लोग, उनका मुकाबला हमें करना है। आएंगे ताकतें, साम दाम दंड भेद, कोई धन की कमी नहीं उनके पास में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो या आप जानते हो क्या हो रहा देश के अंदर, छापे पड़े इनकम टैक्स की डी कुछ हो सकता सीबीआई के, अनावश्यक रूप से तंग किया जा रहा है, सब जानते हम लोग, जनता जान गई है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, सबसे पहले मैंने कहा आपको पधारे हमारे दो नेता, ये मौजूद फंक्शन था, इनको आना लाजमी था, दोनों पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से, तमाम प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से, राजस्थान के कांग्रेसजनों की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आज हमारे लिए सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया भवन का शिलान्यास आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के कर कमलों से हो चुका है। तालियां बजा करके स्वागत करेंगे, और मैं चाहूंगा कि शिलान्यास कार्यक्रम के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमको आशीर्वाद देंगे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, खड़गे साहब, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी, परम श्रद्धेय खड़गे साहब हम सबको संबोधित करने जा रहे हैं। परम श्रद्धेय खड़गे साहब, भाइयों, अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी को उन्होंने बुलाया है, तो मैं और आप सभी उनके भाषण सुनने के लिए यहाँ आए हैं, तो मैं उनके बाद मैं भाषण करूंगा, पहला भाषण वो आपके सामने करेंगे। कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी, खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, जितेंद्र सिंह जी, मालविया जी, हरीश चौधरी जी, मोहन प्रकाश जी, सीपी जोशी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, एमएलएज, एमपीज, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, आप दूर दूर से आए हैं,
जैसे राजस्थान में रणथंभौर है, रणथंभौर में अगर आप जाएं, आप गए होंगे, तो वहां पे एक शेर को देखने घंटे लग जाते हैं, मतलब ढूंढो उसको 6-7 घंटे तक लगते हैं और फिर एक झलक दिखती है, भाग जाता है। आप में से लोग गए होंगे रणथंभौर, यहां पे पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। शांति से बैठे हुए हैं, नफरत की बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत है, इज्जत है, प्यार है। ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी वाला भाषण दे दिया, देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में देखा। अब इनकी नई आदत है, वो टीवी ऑफ कर देते हैं, पहले माइक ऑफ करते थे, अब टीवी ऑफ कर देते हैं। तो पता नहीं आप में से सबने देखा या नहीं देखा, मगर बीजेपी वालों ने जरूर देखा। और उसके बाद मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं, वैसे ही मेरे केस का एक्सेलरेटर दबा दिया और 2 दिन में मतलब निर्णय ले ही दिया। पहली बार हिंदुस्तान में डिफॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मेरी लोकसभा की जो मेंबरशिप है रद्द कर दी। क्योंकि डर लगता है, डर लगता है। जैसे ही 2 चीजें हैं, आप एक काम करो, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उससे उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा। एक से उसको सामने खड़ा कर होगा, आएगा, वो कुछ भी कहे, आप उससे कहो भैया एक बात बताओ, ये आपके जो प्रधानमंत्री हैं, इनके बीच में और अदानी जी के बीच में क्या रिश्ता है, बीजेपी वाला भाग जाएगा। तो पैनिक होता है, डर लगता है। उसके बाद दूसरा भाषण दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारीखें आप मिला लीजिए। जैसे ही मैंने लोकसभा में भाषण दिया, वैसे ही मेरे केस पर एक्सेलरेटर दबा दिया गया। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल अखबार में अदानी जी के बारे में कहानी आती है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल सेशन लागू कर दिया। और पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी, आपको याद होगा, पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी, याद है आपको, इंडिया से भारत। अब पहली बात
कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है। मगर ये इन्होंने पहले नया बहाना बनाया इंडिया वर्सेस भारत। कोई झगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में, मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम हो गई, अब स्पेशल सेशन में क्या करें? स्पेशल सेशन तो अनाउंस कर दिया, अब क्या करें? चलो महिला आरक्षण की बात करते हैं। अब देखिए महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे, हमने बिल का, सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं। मगर इसमें हमारे दो तीन सवाल हैं, सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नए डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाइयों और बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, मगर इन्होंने बहाना बनाया है, ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। अब पार्लियामेंट में मेरा भाषण था तो भाषण के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उसमें ओबीसी वर्ग की, दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की क्या भागीदारी है? तो मैंने क्या किया, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, हिंदुस्तान को, आज के हिंदुस्तान को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं, आज के हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री 90 अफसरों के साथ चलाते हैं। वो कौन है? वो हिंदुस्तान की सरकार के सेक्रेटरीज हैं। हर मिनिस्ट्री को, सेंट्रल मिनिस्ट्री को सेक्रेटरी चलाते हैं। तो मैंने एक बात चेक की कि ये जो लोग 90 लोग हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, पूरा का पूरा पावर इनके हाथ में है, हिंदुस्तान किस ओर जाएगा, शिक्षा में क्या निर्णय लिए जाएंगे, स्वास्थ्य में क्या निर्णय लिए जाएंगे, नरेगा का डिजाइन कैसे होगा, भोजन के अधिकार का डिजाइन क्या होगा, ये 90 लोग चुनते हैं, ये डिसाइड करते हैं। तो मैंने सोचा देखता हूं इन 90 लोगों में से
नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, आज 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं, 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। और बात सुनिए, वो 3 लोग हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट पे निर्णय लेते हैं। मतलब 3 हैं और सरकार में उनकी कोई पावर नहीं है, कोई नहीं सुनता उनकी, उनको कोने में रखा हुआ है। तो फिर पार्लियामेंट में मैंने एक और सवाल पूछा, जो शायद हिंदुस्तान के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और वो ये है कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कौन से समाज के कितने लोग हैं। और ये सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात शुरू की पार्लियामेंट हाउस में, आप देख लेना, बीजेपी लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, एमएलए सब चिल्लाने लगे, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। टीवी का कैमरा हिल गया कि देश के ओबीसी को यह पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते हैं 90 लोग जो चलाते हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी अदानी जी से डरते हैं, अदानी जी शब्द को अगर विपक्ष का कोई बोलता है, बीजेपी का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री, मंत्री सब हिलने लगते हैं, टीवी ऑफ हो जाता है, माइक बंद हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस की बात करती है, जो मैंने बात उठाई पार्लियामेंट हाउस में, 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी क्यों हैं, 5% बजट इन लोगों के हाथ में क्यों है, क्या ओबीसी की आबादी 5% है, क्या 5% है? नहीं, ये कोई नहीं जानता। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 45%, कोई कहता है 55%। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, किसी को चोट लगती है, पहला काम क्या करते हैं? पहला काम अस्पताल में ले जाते हैं, कहते भैया एक्सरे करो, एक्सरे करो, पता लगाओ कि असलियत क्या है, हड्डी टूटी है हां या ना, कौन सी हड्डी टूटी है। कास्ट सेंसस भाई और बहनों एक्सरे है, कास्ट सेंसस से पूरा पता लग जाएगा हिंदुस्तान में कौन कौन लोग हैं, महिलाएं कितनी हैं, ओबीसी कितने, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी,
जनरल कितने हैं पता लग जाएगा। एक्सरे के बाद काम किया जा सकता है। अगर हम ओबीसी को भागीदारी के देने की बात करते हैं तो बिना कास्ट सेंसस ये किया ही नहीं जा सकता है। तो प्रधानमंत्री 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की इज्जत की बात करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस से क्यों डरते हैं? प्रधानमंत्री जी, अगले भाषण में आप हिंदुस्तान को बता दीजिए कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, आंकड़े आपके पास हैं, उन आंकड़ों को आप हिंदुस्तान के सामने रख दीजिए, हिंदुस्तान की जनता को दिखा दीजिए। और अगला जो सेंसस है उसको आप कास्ट बेसिस पे कीजिए। ओबीसी का अपमान मत कीजिए, ओबीसी को धोखा मत दीजिए। अब आप देखना नरेंद्र मोदी जी ना अदानी जी की बात कर सकते हैं और ना ओबीसी सेंसस की बात कर सकते हैं। उनके भाषण देखना आप, आने वाले समय में भाषण देखना, ओबीसी सेंसस पे वो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, आपके सामने आंकड़े नहीं रख पाएंगे, अदानी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। सच्चाई ये है, यहां पे राजस्थान में हमारी सरकार ने आपसे झूठे वायदे नहीं किए। किसानों को 14,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने दिया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को आप जानते हो, कुछ दिन पहले मैं रेलवे स्टेशन में कुलियों से बात करने गया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा और उन्होंने कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं गया, उनकी समस्या समझने, उनकी दिल की आवाज को सुनने। मुझे कहते हैं राहुल जी, राजस्थान की सरकार ने जो स्वास्थ्य पे काम किया है उसने हमारी जान बचा दी। हमारे घुटने खत्म हो गए, हम वजन नहीं उठा पा रहे हैं, राजस्थान की सरकार ने हमारी मदद की, हम ये कभी नहीं भूल सकते। शिक्षा में 3,600 इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खोले हैं। अब आप एक काम कीजिए, मैंने काम किया इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। लोकसभा में मैं आपको एक बात बताता हूं, लोकसभा में एक दिन मैंने देखा बीजेपी के एमपी अंग्रेजी के खिलाफ लंबा भाषण दे रहे हैं। और हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, हिंदी सबको सीखनी चाहिए मगर अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। दुनिया में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो आपको अंग्रेजी की जरूरत होगी, हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो आप हिंदी में कर सकते हो, दोनों की जरूरत पड़ती है। बाद में मैं गया पीछे, सुनिए बाद में मैं पीछे गया और मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताइए, सुनिए डिस्टर्ब मत कीजिए, मैंने पीछे गया, मैंने कहा उनसे भैया एक बात बताइए,
आपने अंग्रेजी के खिलाफ बात की, आपके जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। मतलब दो हिंदुस्तान बने, इनके बच्चे अंग्रेजी सीखकर अमेरिका जाए, जापान जाए, चाइना जाए और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें और बाकी दुनिया में ना जा पाए, बाकी दुनिया से बातचीत ना कर पाए। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। तो बब्बर शेरों, आपकी सरकार ने और आपने, क्योंकि यह सरकार आपकी है, आपने राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य दिया, आपने कर्जा माफ करवाया। भैया यहां पे सिलेंडर कितने का है? ये गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने ये हमने नहीं किया है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हमें कह के करवाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में माताओं बहनों से पैसा छीन कर दो तीन उद्योगपतियों के जेब में डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिलवाया है, ये भूलिए मत। 100 यूनिट मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी बिजली आपने दी। इंदिरा रसोई में 8 रुपए के लिए खाना आप देते हो। मैंने आपको हथियार दिए हैं, चुनाव का समय है, बीजेपी के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, दो सवाल पूछिए। कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हो? अदानी जी को आपने कितना फायदा पहुंचाया देश को बता दो। हमने आपको स्वास्थ्य दिया, 500 रुपए का सिलेंडर दिया, कर्जा माफ किया, ये आपके हथियार हैं। मैदान में जाइए, सच्चाई रखिए और ये जो नफरत फैलाते हैं, इनके नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलिए। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके परम सरदे खड़गे साहब पधारे और संबोधित करें। खड़गे साहब, खड़गे साहब, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब। जयपुर की जनसभा में हम सभी ये देख रहे हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों को संबोधित करने के लिए हमारे चाहते नेता राहुल गांधी जी अभी आप सबको सभी विषय पर उन्होंने बात की और कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, राजस्थान के प्रभारी सुखिंद्र सिंह रंधवा जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह
डोटासरा जी, उपस्थित मंत्रीगण, सांसद, चेयरमैन, पीसीसी, डीसीसी, बीसीसी के सभी पदाधिकारीगण, महिला युवा कांग्रेस और सेवा दल के सभी सदस्य और पदाधिकारीगण, मीडिया के मेरे दोस्तों और दूर दराज से सभा में पधारे बहनों और भाइयों, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है क्योंकि आप नए पीसीसी भवन का शिलान्यास डाले हैं और यहां पर इसलिए हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल से लेकर स्टेट के पूरे लोगों का इसमें योगदान है, सभी लोग आए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने पार्टी का बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि अगर पार्टी है तो हम सब लोग बच सकते हैं। पार्टी है तो पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में आ सकती है। पार्टी है तो गरीबों को मजबूती मिलती है। अगर पार्टी जिंदा है तो कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं, इंदिरा गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी तक हमने जो कार्यक्रम बनाया है उसका लाभ मिलता है। यहां पर राजस्थान में भामशाह जैसे दानवीर और ये समर्पित वीरों का एक भूमि है और राजस्थान हमेशा वीरों के लिए और बलिदान के लिए बहुत ही मशहूर है। मुझे ये कार्यकर्ता लोग यहां पर जो आए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये विशाल जनसभा, इसमें आए हुए लोग सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस को मजबूती देने वाले लोग हैं। इसीलिए आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। ১৯৪৮ में यहां एक नया इतिहास रचा गया। ২৬ জুন ১৯৪৮ को राजपूताना कांग्रेस कमेटी बनी। पहली देसी रियासतों में राजा महाराजा कांग्रेस संगठन बनने नहीं देते थे। 48 में भारत के रियासती हिस्सों में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ, यह ऐतिहासिक अधिवेशन था। बहुत वैसा अधिवेशन फिर कभी नहीं होगा। राजस्थान के लोग उस पहले अधिवेशन को दिल खोल कर मदद करें और सहयोग दिए और वो हमारा भव्य अधिवेशन सारे हिंदुस्तान में
उसकी चर्चा हुई। यहां तक कि नेहरू जी ने यह बात कही, महाधिवेशन पे इतना जोर से करना, पैसा खर्च करना आवश्यक नहीं था, ये उन्होंने उस वक्त कहा। लेकिन यहां के कार्यकर्ताओं ने कहा, ये हम सब मिलके कर रहे हैं, देश के आजादी के बाद हम सभी लोग एक जगह मिल रहे हैं, इसीलिए हमको इतने बड़े पैमाने पे करना पड़ा, ये उत्तर यहां के लोगों ने दिया। ऐसा दिल खोल के कांग्रेस को मजबूत करने वाले लोग यहां पर हैं। अभी हाल में हैदराबाद में हमारी CWC मीटिंग हो गई, एक वहां पर हम काफी अहम फैसले ले और वो फैसले एक के बाद एक हम लाने वाले हैं। और यहां पर हमने जो उदयपुर में हमने फैसले लिए थे, अधिवेशन जो हुआ था वो भी एक के बाद एक हम वहां पर कर रहे हैं। इस कारण ये आने वाले चुनाव को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये पार्टी के कार्यकर्ता हमारे आंख है, हमारे कान है, हमको मजबूत करने वाले हाथ हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना। और आप का जिम्मा है वोटरों को साथ लगातार संपर्क रखना, उनके सवालों का जवाब देना, विरोधी द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों को काट करना, वोटर लिस्ट की जांच कराना, कोई साथी नाराज है तो उसे मनवाने की कोशिश करना, जनता ये भी बताना होगा सरकार ने 2018 में जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसे केवल पूरा नहीं किया, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़ के सब कुछ लोगों को दिया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके बताती है। आपको हमने जो वायदा किया था, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारे MLAs ने, मिनिस्टरों ने सभी मिलके आपके वायदे पूरे किए, बल्कि ज्यादा भी दिए। इसीलिए आपका यह फर्ज होता है कि इन कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना, घर घर पहुंचाना, तभी कुछ हमारी आगे काम बनती है चुनाव के लिए। नहीं तो घोषणा पत्र हम पढ़ लेंगे, घर घर देने के बजाय अपने घर में रख लेंगे तो पार्टी का प्रचार नहीं होगा। एक दूसरे को रुसने का वक्त नहीं है, ये देश को बनाने का वक्त है, डेमोक्रेसी को बचाने का वक्त है, संविधान को बचाने का वक्त है, इसलिए हम सबको उठना है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है या किसी एक कौम का नहीं है, ये लड़ाई हम जो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, वो सारे देश के 140 करोड़ लोगों के हकूक के हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे, हमारी लड़ाई, हमारे पास अगर कांग्रेस का एक कैंडिडेट है
बीजेपी का एक कैंडिडेट हो दे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या किए, हमारे खिलाफ दो तीन कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मात करके हमको जीतना है, क्योंकि जब चाहे तब वो सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। हमारे जब सम्मेलन होते हैं, हमारे जब कार्यक्रम होते हैं, दूसरे दिन ही छापा पड़ता है या उसी दिन छापे डालते हैं। अगर कल हमारा एक संगठन के तौर पर मीटिंग है तो तब उसके पहले एक दिन हमारे ऊपर छापे गिरते हैं। क्यों? ये क्या डेमोक्रेसी है? और ऊपर से बोलते हैं डेमोक्रेटिक है। हम बहुत काम जो लोकतंत्र के अनुसार करते हैं। कहाँ है भाई लोकतंत्र के अनुसार तुम्हारा? हर जगह आप लोगों के ऊपर डरा धमका के आप काम कर रहे हो। और दूसरी चीज, ये सब देखने के बाद आप दोबारा हमारी सरकार यहां राजस्थान में लाएंगे तो मैं इस पे समझ जाता हूं कि आप लाने वाले हैं। और हम लोग आपके साथ हैं। क्यों है? कि आप लोगों का काम कर रहे हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। और जब तक सब हम मिलके डिसिप्लिन के साथ हमको काम करना है। और एकजुट अगर नहीं रहते हम बड़े मुश्किल में हम जाते हैं। इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, किसी शायर ने यह कहा है, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम ही नहीं रास्ते भी चलते हैं। तुम रुक जाओ तो वहीं खड़े हो जाएंगे, अगर चलते रहेंगे तो रास्ते भी चलते रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरा कहना है, छोटी मोटी बातें भूल जाओ। हमको सोनिया गांधी जी जिन्होंने मेहनत करके इस पार्टी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की, राहुल गांधी जी 4038 किलोमीटर पैदल चले, भारत जोड़ो की यात्रा की, भीषण गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, बर्फबारी में यात्रा चलती रही। जनता का सवाल उन्होंने बुलंद किया, उठाया। इसीलिए हम सबको ये सीखना चाहिए, हम लोगों को अगर हकूक मिलना है, लोगों को खुश रखना है, तो जो मेहनत राहुल जी कर रहे हैं, जो मेहनत सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि और एक इधर इधर एक बात आ रही है। परसों जो हमारा एक स्पेशल सेशन हुआ, जो मोदी जी ने बुलाया था, ये इसलिए बुलाया था,
अरे भाई जरा चुप बैठो, बाद में बोलो कैसे, और आपका बूथ पे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा देखेंगे, अब तो फिलहाल कब बैठो। मोदी जी ने 5 दिन का सेशन बुलाया था लेकिन 4 दिन में ही खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको नया बनाया हुआ बिल्डिंग दिखाना था और उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है मुझे तो मालूम नहीं हुआ, और यहां तक उस बिल्डिंग को दिखाने के लिए बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को ये कहा गया कि देखिए हमने नया बिल्डिंग बनाया आप आइए, तो लोग भर भर के बसों में आए, उनको दिखला रहे, फोटो निकाल रहे, एक्टर आए, एक्ट्रेस आए, सभी को बता रहे। अरे जो लोकसभा और राज्यसभा ये चर्चा करने की जगह है, एग्जीबिशन करने का नहीं है, यह चर्चा करके लोगों के समस्याओं को हल करने का है, तो ये तो करे नहीं। महिला बिल लाए, जब हमने लाया था, जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने महिला बिल लाया, इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध बीजेपी ने किया। इससे पहले राजीव गांधी जी ने लाया था, उसका विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। और ये लोग, इनकी ना नीयत साफ है, इनकी नीति ठीक है, सिर्फ भाषण करना। और उन्होंने अजीब क्या एक बहुत बड़ा हासिल किए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, महिलाओं से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो महिला बिल हमने भी सपोर्ट किया, क्योंकि कल के दिन कांग्रेस जो बिल ला रही थी अब आया तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना, इसीलिए हम सब मिलके उसको सपोर्ट किए, पास हुआ। अब कब आएगा वो, कब इंप्लीमेंट होगा? 2030 में, 2029 का जनगणना भी देखेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद ये बिल इंप्लीमेंट। तब तक 10 साल की बात वो कर रहे हैं, 10 साल में ना मोदी रहेंगे ना बाकी के लोग रहेंगे। अरे आज उसी लिए राहुल गांधी जी बोले, सोनिया जी बोले, मैं बोला कि पार्लियामेंट में उसको अभी लागू करो, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा कानूनी पेचीदा नहीं है, तो सीधा सीधा जितने लोग हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में उसको 1/3 कर उसमें से निकालो और दे दो, तो वो लागू 2024 को ही होता है। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने चुप टालते गए, दिखाना दिखाना, तो हाथी के दांत होते ना, दिखाने के एक और खाने के एक, वैसा मोदी जी का हो गया, मैंने लाया, और क्या जश्न मना रहे, उसका औरतें आ रहे, कोई फूल डाल रहे उसके ऊपर, आ रहे कोई पैर पड़ रहे, इन्हों भी पैर पड़ रहे किसके, यानी जो चीज हम 30 साल पहले 89 में किए थे और उन्हीं के वजह से रुक गया था, और वही लोग आज हीरो बन के फिर रहे, तो लोग होशियार है, शाने हैं, ये कभी उनके झांसे में नहीं आएंगे, और जो कुछ किए हैं ये हमने किया है। आपको वोटिंग का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, संविधान में जो इस देश का एक मामूली से मालूम कर्मचारी
किसान, लेबर, अमीर से अमीर आदमी, खेती करने वाला, दुकानदार, सबको अगर हक किससे मिला तो वो कांग्रेस के वजह से मिला। पहले कहां था? पहले तो यह था जो टैक्स देते थे उनको वोटिंग का अधिकार, जिस इनकम टैक्स देने वाले को, प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको, ये लोगों को था। लेकिन आजादी के बाद हमने जो संविधान बनाया उस संविधान में गरीब से गरीब को भी एक वोट और उसकी कीमत एक ही, अमीर से अमीर आदमी को भी एक ही वोट उसकी कीमत भी उतनी ही। ये काम हमने किया और हमको बार बार पूछते तुमने क्या किया। अरे हमने तो ये लोकतंत्र में सबको हक दिया, अधिकार दिया। आज इतने लोग जो राहुल गांधी जी का पंचायत एक्ट उसके तहत आज 14 लाख महिलाएं इलेक्ट हो गए हैं पंचायत में, जिला पंचायत में, तालुका पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में, कॉरपोरेशन में। ये किसने किया? 14 लाख हमने करके दिखाया। और आज हमारे बहने, माताएं, भाई सब रोटेशन के तहत को अध्यक्ष बन रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं। अरे ये तो बीजेपी कभी भी नजदीक नहीं आने देती। यहां तक कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत, क्यों नहीं बुलाना? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो, आप अपने लोगों को बुला बुला के दिखाते हो, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आपने मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? वो तो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को अपमान करते हो और ऊपर से बोलते हैं हमने ये सब बनाया। देखो उनको अध्यक्ष बनाया, इनको ये बनाया, क्या बनाए? नाम के वास्ते बनाते हो। और दूसरी चीज, जब उसका फाउंडेशन हुआ, उसके फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाके धोना पड़ता। तो इसीलिए क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को आपने अहमियत दी, इंपॉर्टेंस दिया? मुझे बोलो, मैं ये सवाल शेड्यूल कास्ट के लोगों से पूछता हूं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों से पूछता हूं, बैकवर्ड क्लास के लोगों से पूछता हूं, ये मर्यादा है? अरे आप राष्ट्रपति वो जब पार्लियामेंट बुलाते हैं तो हम लोग आते हैं, वो समन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर समन नहीं करता। लेकिन उनको ही नहीं वहां पर जगह, उनको ही जगह नहीं वहां पर, तो फिर ऊपर से बोलते हैं हम महिला का बहुत बड़ा इज्जत करते हैं। उन्होंने नाम लिया, वो कित्तूर रानी चन्नम्मा का लिया, ठीक है, झांसी रानी का, ठीक है, ये तो इतिहास के पन्नों में ये सब है। लेकिन आधुनिक इस शताब्दी में और जो आजादी के वक्त जो महिलाएं लड़ी है वो सब कांग्रेस में, और कांग्रेस के महिलाएं सब कुछ अपना जीवन छोड़कर आजादी के लिए लड़े हैं। तो इसलिए गांधी जी एक बात कहे थे, मैं ये कहूंगा, गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा,
तथा स्त्री को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा, ये महात्मा गांधी जी ने बोला। क्या कभी गोड़वलकर गुरु जी ने यह बोला है? क्या बीजेपी के लोग इससे पहले बोले हैं? जनसंघ के लोग बोले हैं? ये बात को समानता को माने हैं? पिछले कितने भी उनके भाषण निकाल के दो, उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। जब यहां पर राहुल जी, हम लोग, सोनिया गांधी जी मिलके जब इंडिया का एक आइडिया निकाले, एक होने का जब आइडिया निकाले, तब वोटों के खातिर महिला का बिल उनको याद आया और वो बिल को लेकर वही बात कर रहे कि हम महिलाओं के साथ हैं। तो भाइयों, ये ऐसे बातों में मत आओ, ये झूठे हैं और हमेशा झूठ बोलते ही जाते हैं। आपको तो मालूम है सब जुमले। तो मैं अपने भाषण में राज्यसभा में भी कहा कि भाई ये एक जुमला तो नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब तब तक तो ये जुमला बनेगा क्या है? तो इनके जुमले बहुत है, 2 करोड़ नौकरियां मैं सबको दूंगा, मिले क्या आपको? 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने का वायदा किया था, वो मिले आपको? देखो, एक प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोलता है तो आप ही सोचिए, कोई भी चीज सिर्फ इलेक्शन के एक स्टंट बनाकर वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो महात्मा गांधी जी का सपना था और सभी स्त्री पुरुष को, गरीब को एक जगह रख के काम करने का, तो ये हमको बीड़ा उठाना है। और सभी ओबीसी के महिलाओं को जब तक ये आरक्षण नहीं मिलेगा, हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और ओबीसी को जरूर इसमें मिलना चाहिए। 73-74 संशोधन हमने किया करके, जो महिलाओं को देना था सभी को दिया, लेकिन ये लोग वो देना नहीं चाहते क्योंकि ये रोकना चाहते हैं। चलो 10 साल में क्या होगा देखेंगे, ये उनका एक बहुत बड़ा एक पीछे का है। ये लोग सामने आके बोलना नहीं चाहते, इस एजेंडे को पीछे ही रखे हैं। यहां पर कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ, शायद पहली अध्यक्ष यहां से जो चुनी गई, सरोजनी नायडू 1925 में अपना अध्यक्ष बना दिया था। अब 100 साल में आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई महिला उनके पार्टी की अध्यक्ष बनी है क्या? आरएसएस की महिला कोई ऊंचे पद पे गई क्या? तो आपके पास अपने अपने संस्था में नहीं दे सकते हो तो यहां बोल रहे हैं हमने लाए। अरे हम लाए तो आप उसको आगे इसलिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि चुनाव नजदीक आ रहा है, और वो भी 10 साल के बाद आपके वायदे हैं। हमारा वायदा यही है, 2024 में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम पहला काम करेंगे और अमेंडमेंट करके दिखाएंगे। तो इसलिए भाइयों, आप सब मिलके काम करो। हमारे पार्टी के सभी नेता, सोनिया गांधी जी से लेकर, राहुल गांधी जी से लेकर, प्रियंका गांधी जी से लेकर, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। यहां पर
मैं समझता हूं 10 दिसंबर को आए थे, शायद सितंबर को 10th को आए थे अपने प्रियंका गांधी जी, हर जगह वो जा रहे हैं, कहां कहां बुलाते हैं। आज राहुल जी भी विद्यार्थियों के पास गए थे और रेलवे कुलियों के पास भी जाकर उनके मुश्किलात को उन्होंने पूछा। क्या कोई ऐसा नेता कोई करता है? अरे अपने कपड़े खराब होते बोलकर कोई नजदीक नहीं जाता। तो वहां कुलियों के पास रेलवे में बैठ के राहुल गांधी जी ने बताया उनका क्या कष्ट है, उसको ठीक करने के लिए। और हमारे को महिलाओं को सबसे बड़ी इज्जत देने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। मैं 2-4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर कांग्रेस से हुई, नेहरू जी के कैबिनेट में। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हो गई देश में। पहली महिला यूएन में विजय लक्ष्मी पंडित हो गई। पहली महिला सीएम यूपी में सुचेता कृपलानी हो गई। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने मीरा कुमारी जी को बनाया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और वो राजस्थान की राज्यपाल भी थी। और बीजेपी अपनी जानी मानी महिला नेताओं को कैसी इज्जत देते हैं। राजस्थान में और पड़ोसी मध्य प्रदेश में महिलाओं को कैसा सम्मान करते हैं वो आप लोग देखे हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करता। सारा देश देख रहा है मणिपुर में क्या हो रहा है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री सोचते नहीं, सोचने का समय नहीं है। और उनको अगर हम कुछ कहे तो सब छोड़कर आपके जमाने में नहीं हुआ, इनके जमाने में। तो इसीलिए राहुल गांधी जी बोले ठीक है अगर कुछ नहीं हुआ हम उसको मानते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? दूसरों को कहने वाले आप क्यों नहीं कर रहे? जब हम करना था हमने किया। लेकिन आज ये जो मोदी सरकार बीजेपी कर रही है, शायद समझूंगा ये वो कर नहीं सकते, लेकिन हमारी सरकार हर जगह अपना काम करती है। राजस्थान में जो कांग्रेसी सरकार वायदा की थी, इंदिरा गांधी नहर लेकर चंबल नहर बनाई, दूसरी सिंचाई परियोजना के कांग्रेस ने बनाई। तो ये जो पंचायत के और जो वायदे किए थे वो सभी मैं गिनना नहीं चाहता, बहुत है। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ दिया, मिनिमम इनकम गारंटी दी, महंगाई राहत कैंप दिया, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर दिया, 12वीं तक आरटीई में फ्री शिक्षा दी, पुरानी पेंशन दी, शहरी रोजगार योजना लागू की, 21 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपए कर्ज क्या हो गया? माफ हुआ। तो ये सब हमारे योजनाएं हैं और बहुत से चीजें अभी भी है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं। फिर आपके सामने एक ही मुद्दा रखूंगा। बहुत पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे अमीर को और अमीर बना सकते और गरीब को और गरीब बनाते। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच, ये है कांग्रेस की सोच,
ये है राहुल गांधी की सोच, ये है सोनिया गांधी की सोच, ये सोच सब कांग्रेस लोगों की है। एक मैं फिर एक बार एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो अमीर को और तथा गरीब को और गरीब बना देती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अमीर और गरीब में बहुत बड़ी खाई है। इस देश के 5% लोगों को उनके पास 62% वेल्थ है, 5% लोगों के पास जो अमीर है 62% है, और 50% गरीबों के पास 3% वेल्थ है, 3% संपत्ति है। आप सोचिए, गरीब का गरीब होते जा रहा है, अमीर का अमीर होते जा रहा है। एक आदमी जिसके पास 10-20 हजार करोड़ रुपए थे आज लाखों रुपए का मालिक हो गया, और दुनिया का नंबर टू वो अमीर बन गया है। ये कैसा बना? जैसा कि राहुल जी ने बोला, चंद पूंजीपति लोगों को मोदी सरकार ने पाला है, उनको सब कुछ दिया है, और सब कुछ सरकार का लेके पब्लिक सेक्टर्स दौड़ी के काम पे वो चले गए, दमड़ी के काम पे बेचे गए। मैं समझता हूं राजस्थान का एयरपोर्ट भी अदानी के पास ही होगा, है कि नहीं? कि तो हर चीज अमीरों को बेचा जा रहा है, तो फिर कहां गरीब बचेंगे? तो इसलिए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, क्योंकि आपको मालूम है सिलेंडर पहले तो 500 रुपए में मिलते था, उसको तो 1100 रुपए कर दिए। लेकिन ये राजस्थान वालों की किस्मत अच्छी है, गहलोत ने उसको 500 रुपए में दिया। और मुद्दों से अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में मोदी कभी नहीं सोचते। इन्फ्लेशन है, मोदी कभी नहीं उसके बारे में सोचते। महंगाई के बारे में नहीं सोचते। अरे टमाटो, प्याज, दाल, तेल सब महंगे हो रहे हैं, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं, उनके तरफ सिर्फ जय जयकार होना, उनको आजू बाजू आगे पीछे जय जयकार करने वाले लोग होना, और हमको यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, 70 साल में तुमने क्या किया, बार बार वही पूछना। अरे भाई, कितने बार पूछेंगे हम? 10 साल हो गए वही प्रश्न हमारे को पूछते हैं। हम बार बार बोलते हैं, अरे भाई हम 70 साल में, या हमारी जो गवर्नमेंट का है 65 साल में हमने क्या किया, उसका हिसाब मेरे पास है। मैं अगर ये देने लगूं तो आपको भी वक्त नहीं लगेगा, मेरे पास है हमने क्या क्या किया। नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, चंबल घाटी प्रयोजन, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, एम्स जोधपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईएम, ये पढ़ने लगा इतना, 10-20 मेरे पास ऐसे हैं, इसको छोड़ के तो बाकी क्या आपके पास ही है। तो दोस्तों, हम करके दिखाते हैं, करके दिखाने के बाद हम ये कहते हैं कि आप लोग इधर काम कीजिए। और बाकी सभी को मैं यही कहूंगा कि एक मिनट में मैं अपना भाषण खत्म करूंगा। जो पब्लिक सेक्टर में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गरीबों को, लोअर मिडिल क्लास को, दलितों को और शेड्यूल ट्राइब्स को, क्यों कि आप अगर क्या बोलते हैं, अगर आप इसको देखेंगे नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान आगे होने वाला है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो बेच के खा रहे सरकार। आपको नौकरियां कहां से मिलेंगे?
रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? सरकार नौकरियां भी कम हो रहे हैं। आज जैसा राहुल गांधी जी बोले कि 90 सेक्रेटरी में से ओबीसी के सिर्फ 3 सेक्रेटरी हैं। कितने हैं? सिर्फ 3। 90 में 3 ओबीसी है तो एससी एसटी का तो कुछ भी नहीं, वो तो साफ, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर ऐसा ही हुआ तो पुराने दिन आएंगे, मनु के दिन आएंगे, और मनु के दिन अगर आ गए परमानेंटली आप गुलाम बन जाएंगे। आप गुलाम बने, क्या आप गुलाम बनना चाहते हो? नहीं। अगर गुलाम बनना नहीं चाहते हो तो कांग्रेस को वोट दो। अगर आप गुलाम बनना नहीं चाहते हो संविधान की रक्षा करो। अगर आप गुलाम नहीं बनना चाहते हो लोकतंत्र को बचाओ। आप गुलाम नहीं बनना चाहते हो एक दूसरे का सपोर्ट करो, आगे आओ, हम आपके साथ हैं। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद। अरे क्या ताकत नहीं है क्या? बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। राजस्थान कांग्रेस की लंबी यात्रा के अंदर 52,056 बूथ से 2200 मंडल, 400 ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी से पधारे हुए हमारे कार्यकर्ताओं को जो आशीर्वाद देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सरदे खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी पधारे हैं, ये राजस्थान की धरा आपकी कर्तव्य आभारी रहेगी। हम गुजारिश करना चाहेंगे कुछ हमारे ब्लॉक के, मंडल के, बूथ के, जिलों के जो अध्यक्ष हैं उनके जो कार्ड हैं वो राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के हाथों से उनको दिलाना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भरत को और श्री हरिमोहन को जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल जी के हाथों से इन्हें कार्ड देके मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा रतनलाल सैनी जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं वो भी आए और उन्हें ये कार्ड, परिचय पत्र जो पहचान पत्र है वो दे के सम्मानित। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनीता गठाड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से उन्हें कार्ड दिला के सम्मानित कराएं। सुनीता गठाला जी, आगे जो हमारे अध्यक्ष हैं दिनेश सुंडा जी, उमेश सिंह तंवर जी, जाकिर हुसैन जी, वो पधारे और इन्हें भी परिचय पत्र दे के और प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए कार्यकर्ताओं का हमें आशीर्वाद दें। आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, मैं धन्यवाद के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा गोविंद राम जी मेघवाल साहब, वो आए और प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए तमाम लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे पूरे भारतवर्ष के युवाओं के दिलों की धड़कन और हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन केसी वेणुगोपाल जी, हमारे लोकप्रिय और राजस्थान के जनता के लाडले जिन्होंने जनहितकारी योजनाएं देने का काम किया, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो गहलोत साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, हमारे मंच पर विराजमान मंत्रीगण, नेतागण, सांसद और सामने विराजमान हमारे पूरे राजस्थान से आए हुए भारी संख्या में कार्यकर्तागण, हमारे मंडल अध्यक्ष, साथियों, मैं आज राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे इस ऐतिहासिक दिन पर जहां हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हमारे जो हमारे कार्यालय की नींव लगा रहे हैं, इस प्रोग्राम में आकर हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा करने का काम किया है। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप
इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आकर और इस काम का कार्य की शोभा बढ़ाई। मैं राहुल जी एक ही बात कहना चाहता हूं कि जहां राहुल गांधी जी का पसीना बहेगा, राजस्थान का कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। आपने जो आज आह्वान किया है कि मोहब्बत की नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा दिया है, इस नारे को लेकर पूरे राजस्थान में जाएंगे और कांग्रेस को दिसंबर माह में 23 में जिताएंगे और 24 में हमारे ये मोदी और अमित शाह के सुपड़ा साफ कर देंगे। सब नारा लगाएं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।